नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीडियो ऑल अप टू डेट में। दोस्तों इस चैनल पर हम आपके लिए नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारी वाली वीडियो लेके आते हैं और हमें उम्मीद है कि ये जानकारी वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आती होगी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम बैंक के बारे में लेके आए हैं कि SBI के कार्ड में ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो आप लोगों को शायद अभी तक पता नहीं होगा, ये ही हम आप लोगों के पास लेके आए हैं आप उसकी जानकारी वाली वीडियो। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि SBI कार्ड में जो SBI का ATM कार्ड है उसमें हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या सुविधाएं हैं, उसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए टॉपिक बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और पास में लगे बेल आइकन के बटन को तो दबा ही दीजिए और वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, क्योंकि वीडियो आपके लिए जानकारीवर्धक होने वाली है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की और दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो देश भर के करीबन 43,000 ATM का संचालन करता है। इस क्षेत्र में ATM की संख्या देश भर में किसी बैंक के पास इतनी नहीं है जितनी कि SBI के पास है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ATM को चलाने वाला बैंक है और देश का सबसे बड़ा बैंक है SBI भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों SBI ने अपने ग्राहकों को तमाम तरह की बैंकिंग सुविधाएँ मुहैया करवाई हैं, जैसे कि होम लोन, कार लोन, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट खोलना, करंट अकाउंट खोलना और रेकरिंग डिपॉजिट जैसे RD कहते हैं। तो ऐसी फैसिलिटी देने के बाद SBI अपने ग्राहकों को नई नई टेली फैसिलिटीज दे रहा है, अच्छी सुविधाएं दे रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि आपके ATM कार्ड में भारतीय स्टेट बैंक ने क्या क्या सुविधाएँ दी हैं, तो इसके बारे में भी चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो ATM कार्ड जो SBI देती है डेबिट कार्ड, उसे इस्तेमाल आप किसी भी बैंक की शाखा जैसे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के ATM में आप किसी भी बैंक में जो है इसका ATM कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जानकारी जो है भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट जो है आधिकारिक वेबसाइट है sbi.co.in पे जो है दर्ज है कि आप जो है भारतीय स्टेट बैंक के कौन कौन से बैंकों का जो ATM आप ले सकते हैं और उसे किसी भी बैंक के ATM में आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, विड्रॉल लिमिट से लेकर ATM चार्ज तक की जानकारी भी आप लोगों के साथ शेयर कर ही लेते हैं। तो कैश विड्रॉल का आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक के कस्टमर्स जो है क्लासिकल डेबिट कार्ड से जो है ATM में से 40,000 रुपये की नकदी प्रतिदिन कर सकते हैं और वहीं हायर वैल्यू कार्ड है उसमें एक दिन के भीतर जो है 1,00,000 रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। इतनी SBI ने उनको अधिकार दिया है कि उनको अनुमति दी है दोस्तों। तो यह जानकारी SBI की आधिकारिक वेबसाइट जो है sbi.co.in पर उपलब्ध है, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे जो बताया गया फ्री ट्रांजैक्शन के बारे में कि SBI अपने कार्ड पर फ्री ट्रांजैक्शन कितनी देता है, तो अपने कार्ड को जो है नेशनल फाइनेंशियल सर्विस से जुड़े अन्य बैंकों से 1,00,000 रुपए से अधिक ATM का लेन देन कर सकते हैं। RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक सेविंग बैंक अकाउंट ग्राहकों को एक कैलेंडर मंथ में 5 लेन देन की सुविधाएँ फ्री हैं। तो आप जान सकते हैं कि आप SBI के ATM कार्ड से जो है 5 ट्रांजैक्शन तक फ्री जो है लेन देन कर सकते हैं और यह भी SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पे उपलब्ध है। और इसके अगर आप 5 लेन देन से ज़्यादा अगर जानकारी करते हैं तो आपको दोस्तों 17 रुपये प्रति जो है लेन देन के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है बैंक को, और वहीं आप नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन के लिए 6 रुपये, यानी कि अगर आपको मिनी स्टेटमेंट चेक करनी है, बैलेंस चेक करना है या ट्रांसफ़र करने हैं तो इसके लिए आपको 6 रुपये प्रति लेन देन के प्रति ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको देना होगा।
पांच ट्रांजैक्शन को छोड़कर आपकी पांच ट्रांजैक्शन फ्री है। पांच से अगर ज़्यादा आप लेन देन करते हैं, ने पैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको 17 रुपये प्रति लेन देन देना होगा। और अगर आप लेन देन नहीं करते हैं, पैसा नहीं निकालते हैं, तो आप जैसे मिनी स्टेटमेंट बैलेंस इंक्वायरी जो नॉन ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर आप करते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर आपको 6 रुपये पर ट्रांजैक्शन देना होता है दोस्तों। तो देखिए आगे फास्ट फीचर का जो कैश का एक्सप्लेन दिया है कि SBI ने ग्राहकों को खास फीचर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इसमें फास्ट कैश, जैसे आप ATM में जाते हैं तो इसमें फास्ट कैश का ऑप्शन रहता है जिसमें आपको अब उस राशि पर जो है चिन्ह दिलाना होता है, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10000 रुपये, तो ये आपको राशि भरने की ज़रूरत नहीं होती। आप ATM में फास्ट कैश ऑप्शन में जाके उसको क्लिक करते हैं तो वो राशि आप लोगों के पास निकल कर सामने आ जाती है। तो बैलेंस इंक्वायरी, यदि कोई व्यक्ति अपने खाते से नकदी प्रवाह का उम्मीद रखता है और इसके लिए वो खाते से इंक्वायरी करना चाहता है तो ATM में जाके वो अपनी बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकता है। इसके अलावा और क्या क्या है वो भी जानते हैं। तो दोस्तों चेकबुक रिक्वेस्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक के ATM कार्ड के द्वारा आप SBI के किसी भी ATM में जाके चेकबुक लेने के लिए रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं, चेकबुक ले सकते हैं। उसके लिए रिक्वेस्ट जो आप SBI के किसी भी ATM कार्ड में कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो है बैंक में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यह जानकारी की भी SBI की आधिकारिक वेबसाइट जो है sbi.co.in पर दर्ज है, आप विस्तार से जान सकते हैं दोस्तों। तो ये थी हमारी जानकारी वाली वीडियो आज कि SBI के ATM कार्ड में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, SBI के ATM में जाके आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यही हम जानकारी वाली वीडियो आपके साथ लेके आए थे, शेयर किया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जो पसंद ज़रूर आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो लाइक तो कर दीजिए और साथ में दोस्तों मित्रों सज्जनों में शेयर कीजिए ताकि जिनको नहीं पता इस जानकारी के बारे में, सुविधाओं के बारे में, उनको ये पता लग जाए। तो फिर से गुजारिश, इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर ही दीजिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।